नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हमारे पास देखिए ये 26 to 40 वोल्ट डीसी का एक नोड आया है। इसमें हम एक चीज़ इसमें लगाएंगे और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तो किससे वर्क करता है, ये डीसी पावर सप्लाई से वर्क करता है। ये डीसी पावर सप्लाई हमने 35 वोल्ट का यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। तो यह डीसी पावर सप्लाई से इसमें कितना वोल्टेज निकल रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं और लगा के दिखाते हैं। देखिए, ये 35 वोल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस नोड पे सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद कितना सिग्नल निकल रहा है इसको दिखाएंगे। और इसमें हम 12 वोल्ट का पीएसपी से अगर इसमें सप्लाई देंगे तो ये कितना सिग्नल निकलता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने 35 वोल्ट का सप्लाई इसमें इन कर दिया है, ये ऑन हो गया है। तो ये हमने फाइबर इसमें पेस्ट कोड लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -3, ठीक है, -3 में कितना सिग्नल दे रहा है। तो हम इसको अभी इस मीटर पे चेक करके दिखाते हैं। तो मीटर इसका हम इसमें कनेक्शन करते हैं, कितना सिग्नल हमें 35 वोल्ट लगाने पर कितना सिग्नल निकल रहा है हम आपको दिखाते हैं। चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको मीटर को ऑन करते हैं, ये हमने इसको ऑन कर दिया है। और इसमें सिग्नल कितना आ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें रहा है 92 dB, ठीक है। इसमें मीर आ रहा है, MER आ रहा है 32, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90, 91 ऐसे आसपास इसका क्वालिटी आ रहा है, सिग्नल क्वालिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 वोल्ट लगा दिया। 35 वोल्ट लगाने के बाद ये सिग्नल निकल रहा है, हमने इसको कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। तो इसको हम अभी 12 वोल्ट सप्लाई देंगे और देने के बाद देखेंगे ये कितना सिग्नल निकलता है। हम इस पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं। ये हमने इसको बंद कर दिया, ये सिग्नल चला गया, ठीक है। तो हमने ये पावर सप्लाई का कनेक्शन खोल देते हैं। ये हमने इसको खोल दिया है, ठीक है। ये अभी बंद है। ये जो हमने पीएसपी लगा के रखा हुआ है, ठीक है, इसमें से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है वोल्टेज वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 11.83 ऐसे दिखा रहा है, 12 के आसपास, ठीक है। तो इसको हम अभी इसमें इन करते हैं। इन करने के बाद देखेंगे कितना सिग्नल हमें मिल रहा है। देखिए सिग्नल मीटर, देखिए हमने कुछ छेड़खानी नहीं की है, इसमें चल रहा है। लेकिन देखिए इसका सिग्नल कितना कम आ रहा है, ठीक है। 75 dB निकल रहा है और 67 ऐसे शो कर रहा है। तो ऐसे देने से, तो पीएसपी लगाने से तो ये एक दो कनेक्शन शायद चल जाए, लेकिन ये नोड तो हम एक दो कनेक्शन के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है। इससे आप बहुत सारे टीवी चला सकते हैं, बहुत सारे सेटअप बॉक्स इसमें चला सकते हैं। लेकिन इस पीएसपी से हमें वोल्टेज कम मिल रहा है, इसलिए गेन भी कम निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कुछ मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हम 12 वोल्ट पीएसपी से इसको चलाएँगे और गेन भी बराबर आएगा। तो चैनल पर बने रहिए। हम इसको क्या लगाएँगे, पहले इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम इस मीटर को बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया, तो इसको हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसका ढक्कन भी खोल दिया है, उल्टा साइड का और फ्रंट साइड का भी खोल लिया है, ठीक है। ये देखिए, इसका डिस्प्ले जो है इसको अलग कर लेते हैं, नहीं तो ये जो कनेक्शन है ये बॉडी में टच हो जाएगा तो ये डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो इसको साइड कर देते हैं। तो इसमें रेगुलेटर आईसी जो लगा हुआ है, तो कौन सा नंबर का रेगुलेटर आईसी है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन थोड़ा साइड कर लेते हैं, नहीं तो हमें दिक्कत करने लगेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है 24 वोल्ट का एलएम, ठीक है। इसको एलएम बोलते हैं, कोई कोई लोग रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। इसमें 24 वोल्ट का लगा हुआ है, तो हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको ये कौन सा वोल्ट का है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, तो इसको हम पहले इसका एलएम जो है इसको निकाल लेते हैं। हम इसका देखिए, ये अगर पीएसपी वाला नोट पीएसपी में अगर इसको चलाना है, ठीक है, इसका जो दोनों आईसी है अगर आप इसको चेंज करेंगे तो भी पीएसपी में वर्क करेगा। लेकिन ये दोनों आईसी आपको चेंज करने से कम 600 से 500 से 600 रुपया खर्चा होगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों चेंज ना करें, थोड़ा मॉडिफाई करके इसको हम दूसरे टाइप का नोट बनाते हैं, ताकि हमारा इसमें पावर सप्लाई भी 40-35 वोल्ट का ना लगे और इस 12 वोल्ट का पीएसपी से ये चल जाए। तो इसका जो रेगुलेटर है इसको सोल्डरिंग इसका निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा रेगुलेटर लगा हुआ है। दोस्तों, वीडियो का लास्ट में हम एक और बात बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे, कोई चोरी छुपी काम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है कौन सा है, देखिए 7824 ये वाला इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको निकाल दिया। तो इसको हम देखिए, यहाँ पे इन होता है 35 वोल्ट और आउट होता है 24 वोल्ट, ठीक है। ये वाला नोड में ऐसा होता है, ये दोनों आईसी 24 वोल्ट का लगा हुआ रहता है। तो हमको 12 वोल्ट लगाने के बाद हमको 24 वोल्ट बनाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हम आपको दिखाते हैं। एक होता है बक कन्वर्टर, ठीक है, ये होता है बक कन्वर्टर। यहाँ से हमें 35 वोल्ट देने से हमको 35 वोल्ट इन करने से हमको ये कम ज़्यादा करने में काम आता है, ठीक है। किसी को 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, तो इससे बना सकते हैं। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला है बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। ये और ये दोनों देखने में एक ही है, लेकिन काम अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, इसका जो पोटेंशियोमीटर है इस तरफ है और इसका पोटेंशियोमीटर उस तरफ है, और रेगुलेटर आईसी भी थोड़ा अलग होता है दोनों में। तो इस बूस्ट कन्वर्टर को इसमें हम लगाएंगे और लगाने के बाद हम देखेंगे इसमें ये वर्क करता है क्या नहीं, ठीक है। पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सिग्नल क्वालिटी वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, और ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका जो सप्लाई कनेक्शन है यहाँ पे लगा दिया है। देखिए यहाँ पे कैसा कनेक्शन करना है, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, ये देखिए। यह इस तरफ इन होता है और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आउटपुट होता है, ये पॉजिटिव आउटपुट, ये नेगेटिव आउटपुट, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियोमीटर है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले इसका हम कनेक्शन इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, पहले हम इनपुट लेंगे, उसके बाद आउटपुट कनेक्शन करेंगे। और इनपुट हमें कहाँ से मिलता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये वाला जो रेगुलेटर है, ये वाला जो रेगुलेटर है, इसका जो इनपुट है, ये इनपुट में हम इसको लगा देंगे। ये वाला नेगेटिव होता है, यहाँ पे जो बड़ा सा कैपेसिटर होता है, देखिए ये जो कैपेसिटर है इसमें हमें इनपुट मिल जाएगा। तो हम इनपुट ये लगा दिया, ठीक है। तो इनपुट हमने लगा दिया है, तो इसको हम अभी 12 वोल्ट सप्लाई इसमें देंगे। तो 12 वोल्ट के लिए हमें ये जो पीएसपी है, ये पीएसपी का एडाप्टर हम लगा देते हैं। ये हमने इसमें लगा दिया, तो इसको चेक करते हैं कि हमें कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है। देखिए 11.73, ठीक है, ये हमारा पीएसपी से निकल रहा है। तो इस पीएसपी को हम इधर इन कर देते हैं। इसमें हमने इन कर दिया है, तो हम आप देखेंगे इसमें वोल्टेज और इनपुट हो रहा है कि नहीं। देखिए ये 10 वोल्ट इधर इन हो रहा है, ठीक है। तो इस कन्वर्टर जो हमने बूस्ट कन्वर्टर यहाँ पे लगाया है, इसमें वोल्टेज कितना निकल रहा है, आ रहा है। देखिए 10.73 ये हमें इनपुट हो रहा है। तो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, देखिए आउटपुट भी 10 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसको हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो हम इसको बढ़ाए कैसे, इसका जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ रख लेते हैं, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। देखिए 10.44 ऐसे हो रहा है। तो हम इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने से कम हो गया, अभी इसको और बढ़ाएंगे, उल्टा करेंगे। ये 24 वोल्ट निकल रहा है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे और कम हो जाएगा। ये देखिए ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका हम पूरा 24 करके रख देंगे। धीरे धीरे आपको इसको एडजस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो ये पोटेंशियोमीटर ख़राब हो जाएगा। देखिए 23.97 हमने इसमें रख दिया है करके, ठीक है। तो ये हमारा 12 वोल्ट इन हो गया और आउटपुट में हमारा 24 वोल्ट, करीब 24 वोल्ट निकल गया। तो इसको हम यहाँ पे जो इसका जो इनपुट है, जो यहाँ से जो 24 वोल्ट निकलता था, इस पे हम ये वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। कर देने के बाद हम सिग्नल भी देखेंगे, सिग्नल बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं और इसमें कनेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम कहीं अच्छी जगह इसको चिपका देंगे, नहीं तो शॉर्ट हो सकता है। ऐसे करके हम इसको अच्छे से कहीं पे चिपका देंगे। तो इसके लिए आपको डबल टेप जो मिलता है, ऐसा वाला डबल टेप, आपको डबल टेप लेना है। लेने के बाद इस डबल टेप को इधर इस कन्वर्टर में चिपका देना है। ऐसे चिपका दिया, थोड़ा इस तरफ रखिएगा, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी होता है, ये हीट हो जाएगा, ये गल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा साइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको इधर बिठा देते हैं बढ़िया करके। ये बैठ गया है। तो हम अभी इसमें लाइन देंगे। लाइन देने के बाद हम देखेंगे सप्लाई जो हमने दिया है वो बराबर इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, वो तो हमने आपको दिखाया था। तो इसको एडजस्ट भी कर लिया है। तो हम एडजस्ट कितना किया वो हमको दिखाते हैं। ठीक है, इसको हमने लाइन दे दिया है। तो हमने यहाँ पे मीटर को एक प्रोब बॉडी पे रख दिया है और दूसरा प्रोब इसका आउटपुट में लगा दिया। देखिए हमें 12 वोल्ट इन हो रहा है, मतलब इस पीएसपी से हमें 10 वोल्ट इधर मिल रहा है, ठीक है। और इससे आउटपुट हो रहा है 13 वोल्ट, ठीक है, 13 या 14 के आसपास, 13.5, ठीक है, 13.5 वोल्ट हमें इधर मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितना बूस्ट किया है, 2 या 3 वोल्ट ये बूस्ट किया है, ठीक है। ये 2 या 3 वोल्ट हमें बूस्ट कर रहा है और ये 2-3 वोल्ट बूस्ट करने से 13 वोल्ट इधर हमें इनपुट इस नोड पे आईसी पे जा रहा है, ठीक है। और इस 13 वोल्ट में ये काम करता है या नहीं करता है, सिग्नल कितना आ रहा है हम आपको दिखाते हैं। इसका जो डिस्प्ले है इसको लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें -6 बता रहा है, तो इसको हम थोड़ा साफ़ कर देते हैं। इसका जो पेस्कोड है इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेना होगा। -9 हो गया है, तो इसको हम थोड़ा स्प्रे लगा करके, ऐसा स्प्रे मिलता है, स्प्रे से इसको साफ़ कर देते हैं। तो इसको हम अभी लगाते हैं। देखिए -3 आ गया, ठीक है। इस -3 में हमें सिग्नल कितना मिल रहा है और हम अभी दिखाते हैं आपको। ये जो मीटर हमने ले लिया है इसको हम ऑन करते हैं। इसका सिग्नल देखते हैं। देखिए दोस्तों सिग्नल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अभी -3 में है, तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। ये बराबर हो गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रेगुलेटर लगाने से आपको पीएसपी में ये नहीं चलेगा। अगर आपने बक कन्वर्टर लगा लिया तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा, बढ़िया से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके जो जिसको भी बूस्ट कन्वर्टर चाहिए मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। मतलब एक साथ 4-5 ऐसे रहता है, उस तरह से लीजिएगा। सिंगल पीस आपको लेने से ज़्यादा पड़ेगा खर्चा, ठीक है। ये देखिए चल रहा है बढ़िया से, और वोल्टेज भी हम दिखाते हैं आपको कितना वोल्टेज इसमें इन हो रहा है और आउट कितना हो रहा है। ये इनपुट हो रहा है, देखिए 10.41 और आउटपुट 13.37, ठीक है। ये 13 वोल्ट देने से ये चलता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से चिपका लीजिएगा। इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों और एक बात, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये वाला रेगुलेटर ही चेंज किया है और पहले जो था वही है। हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की इसमें, सिर्फ इस बक कन्वर्टर को इसमें लगा दिया। तो आपको भी अगर ऐसा वाला कुछ करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखिए ये नोड भी है 26 वोल्ट का, मतलब ये 35 वोल्ट से वर्क करता है। इसके बगैर दूसरा इसका विकल्प नहीं है और हमने इसमें विकल्प बना दिया है। बक कन्वर्टर इसमें लगा कर चला दिया है और बक कन्वर्टर इस तरह से चल रहा है, कोई हीट नहीं है, बढ़िया से वर्क कर रहा है, एकदम बढ़िया से। और इसको भी अच्छे से आपको एडजस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे इसको, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नोड करीब नया आपको पड़ता है 1700-1800 रुपया, ठीक है। ये अगर ऐसा आप कुछ कर लेंगे तो इसको आराम से पीएसपी पे चला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।